सभी सुंदर साथ को कोट अन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 15 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। महमद आया इसे मिने, तब अहमद हुआ श्याम। अहमद मिलिया मेहंदी मिने, ए तीन मिले हुए इमाम। कुरान के अनुसार रसूल मोहम्मद ने विद्यमान बाह्य शक्ति जब ईसा रूह अल्लाह श्री देवचंद्र जी में प्रविष्ट होती है तब वे अहमद स्वरूप कहलाते हैं। जब ये अहमद स्वरूप मेहंदी में प्रविष्ट होते हैं तब ये तीनों स्वरूप एक होकर इमाम कहलाते हैं। अलफ कहया मोहम्मद को, रूह अल्लाह ईसा लाम। नीम मेहंदी पाक सो, ए तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। कुरान में कहे हुए अलिफ लाम मीम में से रसूल मोहम्मद, अलिफ ईसा रूह अल्लाह लाम और पवित्र मेहंदी मीम है, ये तीनों एक ही माने गए हैं। मोहम्मद ईसा आए म्याराज में, और असराफिल इमाम। बुध जबराइल मिल के, किए गुज जाहिर अल्लाह कलाम। ब्रह्म रात्रि अर्थात लैल तुल कद्र के तृतीय खंड में रसूल मोहम्मद तथा ईसा सतगुरु श्री देवचंद्र जी का अवतरण हुआ। इसी प्रकार अक्षर की बुद्धि इसराफिल एवं जिब्रिल फिरस्ता के साथ मिलकर बुद्धि जी ने इमाम बनकर कुरान के गूढ़ अर्थ स्पष्ट किए। मायने इन मुसाफ के, कल्ला अला के कोल। ईसे के इलम से, दई इसारते सब खोल। कुरान के गूढ़ अर्थ, परमात्मा के पुनः प्रकट होने के वचनों का रहस्य तथा ऐसे सभी संकेत निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी प्रदत्त आत्मज्ञान के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट कर दिए हैं। बड़े निशान आखरत के, आजुज माजुज दोए। बेटे कहे याफिस के, इन्होंने छोड़या कोए। कुरान में अंतिम समय के विशेष संकेतों में याजुज और माजुज का प्रकट होना कहा है, जो यासिफ के पुत्र कहलाते हैं। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा अर्थात सबको ग्रास बना लिया। कहे बड़े सबन से, सौ गज का आजूज। और तंग चसम कहया, एक गज का माजूज। उनमें याजूज को सबसे बड़ा बताया है, जो 100 गज लंबा होगा, और सीमित दृष्टि वाला माजूज मात्र 1 गज लंबा होगा। 4 लाख कौम इनकी, फौजा होसी 3। अर्थ ऊपर के आखरत, क्यों पावे रात दीन। इन दोनों के वंश की संख्या 4 लाख प्रकार की तथा सेना 3 प्रकार की बताई गई है। कुरान का मात्र बाह्य अर्थ ग्रहण करने वाले अल्पज्ञ जीव अंतिम समय के संकेत रूप इन दिन और रात के रहस्य को कैसे समझ पाते। ये तो गिनती कही दीनन की, आखरत बड़े निशान। मायने मगज मुसाफ के, और करे सो कौन बयान।
वस्तुतः कुरान में इस प्रकार की गणना अंतिम घड़ी के आने के लिए संकेत मात्र में बताई गई है, किंतु कुरान के इन गूढ़ रहस्यों को कौन स्पष्ट कर सकता है? काल यही दिन कहे, सो पहुंचिया कौल पर आए, तब पिंड और ब्रह्मांड को देत सबे उड़ाए। कुरान में जिस घड़ी की विशेष चर्चा हुई है वह यही समय है। इसी समय पर परमात्मा के आने की बात कही है, जो बुद्धि के रूप में निश्चित समय पर प्रकट हो गए हैं। अब बुद्धि जी पिंड और ब्रह्मांड के अस्तित्व को उड़ा रहे हैं। दाभा तल अर्जमके से जाहिर होसी सब ठौर, एक हाथ आसा मुसे का दूजे सलेमान की मोहर। अंतिम समय के विषय में कुरान में और भी कहा है कि मक्का से दाभातुल अर्ज प्रकट होकर सर्वत्र फैलेगा, अर्थात मानवों के हृदय में आसुरी वृत्ति फैल जाएगी। एक हाथ में मूसा पैगंबर की भांति आसा यानी दंड होगी और दूसरे में सुलेमान पैगंबर की भांति सवर्ण मुद्रा यानी तारतम ज्ञान होगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 15 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।